Hello everyone, this is Preet Kamal, and today we will be discussing about the subject details of an FTL, that is network filters and transmission lines. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द अटेन्यूएटर्स, तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. अटेन्यूएटर्स में जैसे हम लोगों ने देखा बेसिक अटेन्यूएटर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं उन्हें, सोर्स और लोड के बीच में उन्हें हम लोग अटैच करते हैं, तो उसी तरह से हम आज अटेन्यूएटर्स के करेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स और किस कौन कौन से टाइप्स के अटेन्यूएटर्स हैं हमारे पास और उनकी एनालिसिस जो है वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अगर हम बेसिक अटेन्यूएटर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट देखा था अटेन्यूएटर्स, राइट. तो अटेन्यूएटर क्या होता है, टू पोर्ट रेजिस्टिव नेटवर्क है जिसे हम सिग्नल लेवल को रिड्यूस करने के लिए, एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट से उस लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. बहुत सारी एप्लीकेशंस में जहाँ पे स्पेसिफाइड लोड सॉरी लॉस चाहिए होता है सोर्स और लोड के बीच में विदाउट अल्टरिंग द इम्पेडेंस रिलेशनशिप, तो वहाँ पे हम अटेन्यूएटर्स जो है यूज़ करते हैं. ये सिमेट्रिकल टाइप के भी हो सकते हैं, असिमेट्रिकल टाइप के भी हो सकते हैं, फिक्स्ड अटेन्यूएटर्स भी होते हैं, वेरिएबल अटेन्यूएटर्स भी होते हैं. जो फिक्स्ड अटेन्यूएटर्स हैं उनकी जो कॉन्स्टेंट अटेन्यूएशन है उसे पैड बोलते हैं, और जो वेरिएबल अटेन्यूएटर्स हैं उनमें हम उसे हम वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, तो इनको हम लेबोरेटरी वगैरह में टू ऑब्टेन अ स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट फॉर टेस्टिंग सर्किट्स उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. देन इंक्रीज और डिक्रीज इन द पावर ड्यू टू इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू एलिमेंट इन द नेटवर्क कैन बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन डीबीज. दैट मीन्स कि जो हमारी अटेन्यूएशन होती है उसे हम डीबीज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अटेन्यूएशन इन डीबीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 लॉग बेस 10 ऑफ P1 बाय P2. ये मैं क्विक रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अटेन्यूएटर्स, राइट. तो अगर हम यहाँ पे इस पावर को वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो I1 square R0 divided by I2 square R0 इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, और V1 by V2 की फॉर्मेट में भी इसको हम लिख सकते हैं. तो दोनों तरीके से हम अटेन्यूएशन जो है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसे हम डेसिबल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे हम जो है नेपर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अटेन्यूएटर्स और उनकी एनालिसिस. कि अगर हम सिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम टी टाइप अटेन्यूएटर्स में सिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों टी साइड्स के जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है इम्पिडेंसेज वाली, उनके अंदर जो इम्पिडेंसेज हैं वो दोनों सेम रहेंगी, R1 R1, राइट. और जो हमारी वर्टिकल लाइन वाली इम्पिडेंस है वो R2, वो डिफरेंट होगी, राइट. तो अगर दोनों सेम है इम्पिडेंसेज तो उन्हें हम बोलेंगे सिमेट्रिकल जो नेटवर्क है, अगर ये दोनों इम्पिडेंसेज इनपुट और आउटपुट साइड की सेम रहती हैं तो, राइट. तो बेसिकली हमारे पास जो अटेन्यूएटर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के अटेन्यूएटर्स होते हैं, टी टाइप, पाई टाइप, लैटिस टाइप, ब्रिज टी टाइप, एंड अलॉन्ग विद दैट हम समटाइम्स वी यूज द एल टाइप अटेन्यूएटर्स ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पे अब अगर हम सिमेट्रिकल टी अटेन्यूएटर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर वो अटेन्यूएटर को कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे डिजाइन किया जाता है. इट इज टू बी डिजाइंड फॉर डिजायर्ड वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस आर नॉट एंड अटेन्यूएशन. तो इन दोनों के लिए इसको हम डिजाइन करते हैं. तो किस चीज के लिए डिजाइन किया जाता है अटेन्यूएटर, फॉर द डिजायर्ड वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस. यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस जिसका नाम है आर नॉट एंड द अटेन्यूएशन. तो हमें ये डिजायर्ड वैल्यूज चाहिए इन दोनों की, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने अटेन्यूएटर को डिजाइन करना है, राइट. तो यहाँ से हम इनपुट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल की बात करें तो अगर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊँ तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल ड्रॉ होगा वो किस तरह का होगा, इट विल बी समथिंग लाइक, आप इसे ऐसे बना भी सकते हो अगर आप एग्जाम्स में बनाना चाहो तो, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पे नहीं गिवन है लेकिन हम यहाँ पे बना सकते हैं. ये हमारी साइन वेव आ गई और यहाँ से हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया. सिमिलरली लाइक दिस, हेयर वी हैव कनेक्टेड इट, और ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस आर नॉट. मीन्स जिस रेजिस्टेंस से हम लोगों ने इसे क्लोज किया है, टर्मिनेट किया है इस सर्किट को, उसी सेम रेजिस्टेंस से हम इसको जो इनपुट साइड पे भी सेम रेजिस्टेंस ही यूटिलाइज करेंगे. और यहाँ पे ये जो सिग्नल है
वी वी एस लिख सकते हैं इसको, या वी वन लिख सकते हैं, वी कैन कॉल इट वी वन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आई वन करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको वी वन लिख सकते हैं। और इस साइड पे जो हमारी वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज, उसे हम यहाँ पे वी टू लिख सकते हैं, राइट। इट कैन बी रिटन जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन आई एज, जैसे हम लोग बुक में जो हम लोग देखते हैं दैट इज वी एस, और इस साइड पे वी आर, सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी वन वी टू भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी टर्मिनोलॉजी आपने यूज कर रही है वो दोनों साइड्स पे, दैट मींस कि थ्रू आउट द सर्किट, जब तक आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो तब तक उसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। वी वन वी टू अगर आप यूज कर रहे हो तो थ्रू आउट इट शुड बी वी वन वी टू, जहाँ पे भी आपने यूज करना है, राइट। अगर आप वी एस वी आर यूज कर रहे हो तो थ्रू आउट इट शुड बी सेम लाइक दैट। और अगर आप यहाँ पे वी एस वी आर यूज करोगे तो ये करंट्स भी आई आर और आई एस बन जाएंगे, राइट, आई एस और आई आर बन जाएंगे। तो अगर आप वी वन वी टू यूज कर रहे हो तो आई वन आई टू। तो दिस यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज जो है वो क्लियर हो, राइट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, द वैल्यूज ऑफ द आर्म्स ऑफ द नेटवर्क, दे कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जी नॉट, प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट गामा ऑफ द नेटवर्क, एंड द नेटवर्क फिगर इन अ सिमेट्रिकल रेजिस्टिव सर्किट में। अगर हम अगर हम सिंपल नेटवर्क की बात करें तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जी नॉट कंसिडर करते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम सिंपली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टिव सर्किट में जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जी नॉट है उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस आर नॉट, और जो गामा है प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट है दैट इज ऑलरेडी दैट इज जस्ट कॉल्ड एज अटेनुएशन कॉन्स्टेंट अल्फा। तो दे आर रिप्लेस्ड। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो उसमें जी नॉट और गामा यूज हो रहे हैं, अगर हम अटेनुएटर की बात करें तो उसमें आर नॉट और अल्फा यूज हो रहे हैं, राइट। क्योंकि आर नॉट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस है और अल्फा इज द अटेनुएशन कॉन्स्टेंट, क्योंकि अटेनुएटर्स के अंदर वी डू नॉट हैव द फेज शिफ्ट कॉन्स्टेंट, वी ओनली हैव द अटेनुएटर कॉन्स्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ रेजिस्टेंसेज यूज कर रहे हैं। तो इट शुड बी कैप्ट इन माइंड, तो ये चीज आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, राइट। तो अब मैं इसको जो है ड्राइंग्स को क्लियर कर रही हूँ, राइट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हमारा सर्किट, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम केवीएल जो है, किरचॉफ्स लॉ जो है, वो इस नेटवर्क के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो आर टू जो है उसमें यह करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई वन माइनस आई टू, राइट, दैट विट इज विच इज इक्वल टू जो ये करंट्स हैं। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो स्किप की गई है, तो आई विल राइट हेयर द फर्स्ट जो लाइन है, राइट, उसको मैं लिख देती हूँ, तो उससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ से कि हमने स्टार्ट कैसे किया इस चीज़ को। तो वी हैव स्टार्टेड इट लाइक दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम स्टार्ट करें तो इट विल बी समथिंग लाइक राइट साइड से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला नेटवर्क, जो ये वाला लूप है, दिस लूप वी आर कंसिडरिंग इट, दिस लूप, ये वाला लूप हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो इस लूप को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इस लूप को, कि इट विल बी समथिंग लाइक आर टू, राइट, जो ये है, आप अपने आप इसको सबस्क्रिप्ट में नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन नहीं देता ये, राइट, या इट विल गिव यू ऑप्शन, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा उस चीज़ के लिए, राइट। तो दैट इज़ वाई मैं इसको स्किप कर रही हूँ। इसको आप जो वन और टू हैं इनको आप सब्सक्रिप्ट में लिख सकते हो, राइट। तो जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, दैट मीन्स कि अगर हम ये वाली लूप को कंसिडर करें तो यहाँ पे करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर ये जब जो हम लूप ले रहे हैं उसके अंदर अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उसे कैसे लेते हैं, नेगेटिव में, राइट। तो नेगेटिव में ले रहे हैं, माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है, आई टू इंटू आर वन, राइट, एंड देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, माइनस आई टू, सेम करंट फ्लो कर रहा है किसके अंदर, आर नॉट के अंदर भी, राइट। तो ये बन गई ये लूप, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये बन गया हमारा केवीएल की जो सम है सारी वोल्टेजेस का वो इक्वल टू जीरो है, राइट। तो ये सारी वोल्टेजेस हम लोगों ने लिख ली, आई आर इज द वोल्टेज, राइट। तो सबसे पहले लिखी हमने ये वाली वोल्टेज, राइट, तो ये पॉजिटिव में जाएगी क्योंकि जो हमारा करंट की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट जा रही है जो हमारी लूप की डायरेक्शन है उससे, राइट। तो
यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा था करंट, आई टू ही आर वन में फ्लो कर रहा है, आई टू ही आर नॉट में फ्लो कर रहा है, तो इस लाइन में ये बन गया आई टू आर वन, और माइनस इस लाइन में ये बन गया आई टू आर नॉट, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. तो इन दोनों में क्या होगा, जो आर टू है उसमें, सॉरी जो आर टू है उसमें क्या होगा, आई वन माइनस आई टू ये एज इट इज रहेगा, राइट. और माइनस में अगर हम आई टू को कॉमन बाहर निकाल लें क्योंकि करंट सेम है, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, सॉरी आर वन माइ सॉरी प्लस आर वन प्लस आर नॉट, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. तो अगर हम लोगों ने इसको इक्वेट करना है तो यही टर्म बन जाएगी. कैन यू सी हेयर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही टर्म बन जाएगी, आर टू आई वन माइनस आई टू दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये माइनस के इस साइड चला जाएगा, अगर दिस वन इफ इट विल गो ऑन द अनदर साइड, तो ये क्या बन जाएगा, आर टू आई वन माइनस आई टू दैट इज इक्वल टू, अगर ये आई टू आर वन प्लस आर नॉट को हम इक्वल टू के इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर नॉट, राइट. तो ये यही सेम इक्वेशन बन गई, आर टू आई वन माइनस आई टू दैट इज इक्वल टू आई टू आर वन प्लस आर नॉट, राइट. तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है. तो इस तरह से हम स्टार्ट करके इस इक्वेशन को जो है बना सकते हैं, राइट. तो अब यहाँ पे क्या बना, अब इसको अगर हम ओपन करें ब्रैकेट्स को, तो ये क्या बन जाएगा, आर टू आई वन माइनस आई टू आर टू, राइट. तो I2 की टर्म माइनस में है, इसको फिर से इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, I2 R2 प्लस R1 प्लस R0, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे साथ में, और यहाँ पे एक साइड पे क्या बच जाएगा, I1 into R2, ये टर्म बच जाएगी. तो I1 by I2 की अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या बन जाएगी, R1 प्लस R0 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, एंड दैट इज इक्वल्स टू N, राइट. तो द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द अटेन्यूएटर जो आर नॉट है हमारे पास, एन एस मीन्स द वैल्यू ऑफ अटेन्यूएशन, राइट. तो द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस या कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस ऑफ द अटेन्यूएटर जो आर नॉट है, विच इज टर्मिनेटेड इन द लोड ऑफ आर नॉट, तो अगर आर नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी हो, तो इस साइड से अगर हम फ्रंट साइड से आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, आर नॉट की वैल्यू आर वन के साथ इन पैरेलल कौन कौन कनेक्टेड है, R2, right, which is connected in series with R1 and R0. तो इसको भी मैं जो है इसको कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं. R0, बच्चे जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक बंद कर लीजिए. R1, गुरचरण आपका माइक ऑन है बच्चे. R1 प्लस R not, right? R1 plus R not, वो क्या है, ये दोनों क्या है, इन सीरीज, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है. तो अगर ये दोनों सीरीज में है, तो ये कनेक्शन हो गया हमारा, ये इकट्ठे हो गए दोनों, राइट. तो अब ये दोनों सीरीज में है, तो इनका ये पॉइंट और ये पॉइंट, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस R2. इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, तो इन कॉम्बिनेशन ये इन पैरेलल कनेक्ट हो रहे हैं किसके साथ, R2 के साथ, राइट. और ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, अब ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए, अब ये जो पूरा का पूरा सर्किट है ये क्या है, इट इज इन सीरीज विद दिस R1 प्लस R1. तो आप चाहे इसको बाद में लिख लो चाहे पहले लिख लो, वन एंड द सेम थिंग. तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, आर वन प्लस प्लस R2 multiplied by R1 plus R0 divided by R1 plus R0 plus R2. क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी दो resistances को in parallel लिखते हैं, for example R1 into R1 in parallel with R2 लिखते हैं, तो उसको represent कैसे करते हैं हम, R1 R2 divided by R1 plus R2. तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, राइट. तो ये इस तरह से हम पैरेलल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो पैरेलल रिप्रेजेंटेशन अगर हम यहाँ इसकी कर रहे हैं, तो एक जो सर्किट है वो R2 है, और R1 की जगह पे R1 प्लस R0 लिखा हुआ है, तो R1 को R1 प्लस R0 से रिप्लेस कर दीजिए. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R2 इंटू R1 प्लस R0, राइट. तो इससे ये रिप्लेस हो जाएगा,
राइट, और यहाँ पे आर वन को रिप्लेस करेंगे आर वन प्लस आर नॉट से, तो आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर टू, राइट। तो ये चीज़ बन गई हमारी, तो दिस इज योर कि किस तरह से हमने इसको आर नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया, राइट। तो अब आर नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ फिल कर दें, आर वन प्लस ये सारी वैल्यू अगर यहाँ पे हम फिल कर दें, तो ये वैल्यू हमारे पास आर नॉट की क्या आ जाएगी, आर वन प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाय एन। तो अगर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को फिल कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 17.61, राइट, तो इस इक्वेशन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर टू इज इक्वल्स टू एन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म हमें कहीं नजर आ रही है, आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर टू दिस इज वॉज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे क्या है, ये उल्टा है, तो ये क्या बन जाएगा, वन बाय एन। तो इस इक्वेशन को अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये क्या वैल्यू आई हमारे पास, आर वन प्लस आर टू डिवाइड आर नॉट डिवाइडेड बाय एन। तो अगर हम इससे ब्रैकेट्स को ओपन करें, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर वन इधर एन आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर नॉट। कैसे आया, लेट मी टेल यू, आप लोगों को लिख के बताती हूँ हाउ इट कम्स। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, राइट right? तो ये क्या बन गया, आर नॉट इधर वाली साइड था, दैट इज इक्वल्स टू, इसको एलसीएम में लिया एन को, तो एन को एलसीएम में लिया तो यहाँ पे आ जाएगा एन आर वन प्लस आर वन प्लस आर नॉट, राइट। यही चीज आ रही है, दोबारा से लिखती हूँ, एन आर वन प्लस आर वन प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय एन। टोटल डिवाइडेड बाय एन किया तो ये एन जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, इधर जाके वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एन आर नॉट दैट इज इक्वल्स टू, ये आर कंप्लीट है, ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एन आर वन प्लस आर वन प्लस आर नॉट, राइट। तो यही टर्म बन गई, एन आर नॉट इज इक्वल टू एन आर वन प्लस आर वन प्लस आर नॉट। तो यहाँ से अगर हमने आर नॉट को कॉमन निकाल लें, यहाँ से अगर आर नॉट को कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, ये वाला आर नॉट जो है इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, राइट, दोनों में एन एन कॉमन निकल आएगा ना फिर। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या बना, आर नॉट को बाहर निकाला मतलब आर नॉट को इधर लेके आए तो वो माइनस में आएगा, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, एन माइनस वन। और इधर वाली साइड पे अगर हम आर वन को कॉमन बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचा, एन प्लस वन, राइट। तो ये चीज बच रही है हमारे पास, तो आर नॉट एन माइनस वन कैसे आया, ये इधर एन आर नॉट एक साइड पे था, इधर से आर नॉट को उठाया माइनस आर नॉट, वो इस साइड पे आ गया, राइट। और दूसरी साइड पे क्या बचा हमारे पास, एज इट इज जो हमारे पास था ही, एन आर वन प्लस आर वन, राइट। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन जो हमारे पास बची है, राइट। तो अब यहां से हमने क्या किया, आर वन की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, पहले हमने आर नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, अब हम अगर आर वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगी, आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो अगर अब हम इस इक्वेशन में क्या करें, एन आर टू की सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 17.61, अब फिर से इसी इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को तो ये किसके बराबर आ जाएगी, एन आर टू दैट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर टू। कैसे आई ये चीज, यही सेम इक्वेशन अगर हम इसको रीराइट करें, अगर हम इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखने की कोशिश करें तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी। सो यू कैन राइट हेयर, यहाँ पे आप लिख के देख सकते हो इस इक्वेशन को, क्या बनेगी ये इक्वेशन, आर वन प्लस आर नॉट, राइट, प्लस
आर टू, यही इक्वेशन लिखी हुई है एंड दैट इज इक्वल्स टू एन आर टू. कहाँ से आया एन आर टू? ये आर टू को इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इक्वेशन बिकम्स दिस. यही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे लिखी है फ्रॉम इक्वेशन 17.61, ये जो इक्वेशन थी राइट तो ये इक्वेशन से ये चीज बन गई. अब यहाँ पे आर टू है, यहाँ से आर टू अगर उठाएंगे आर टू इस साइड पे चला जाएगा राइट तो आर टू इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो आर टू कॉमन बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर नॉट. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर वन, आर वन की ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी उसे अगर हम यहाँ पे पुट कर दें आर नॉट इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस आर नॉट, अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ से यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दें तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास एन आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस आर नॉट राइट. तो इसको हम फिर से सॉल्व करके देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे देन वी विल कम टू नो कि कैसे ये चीज़ बन रही है राइट. अब इस इक्वेशन को ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आर नॉट इंटू एन या एन आर नॉट लिख सकते हैं हम इसको राइट, माइनस आर नॉट प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाय एन प्लस वन. लेकिन अगर एन प्लस वन के साथ इसको टोटल को डिवाइड करना है तो इस आर नॉट को हमें क्या करना पड़ेगा एन प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हम एलसीएम ले सकते हैं इस चीज़ का. तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को ओपन करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, इसको ओपन करते हैं मैं दोबारा से लिखती हूँ यहाँ पे, इट विल बिकम एन आर नॉट प्लस आर नॉट, यही टर्म बनेगी राइट. तो इसको अगर हम इरेज कर दें तो ये टर्म बन रही है, तो ये टर्म अगर बन रही है तो माइनस आर नॉट और प्लस आर नॉट हो गए कैंसिल, बचा क्या एन आर नॉट प्लस एन आर नॉट. तो ये क्या बन गए हमारे पास टू एन आर नॉट डिवाइडेड बाय एन प्लस वन. सो दिस इज द इक्वेशन जो बची है हमारे पास राइट. तो अब यहाँ से अगर हमें आर टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो वैल्यू हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, आर टू यहाँ पे n माइनस वन जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी नो कि n प्लस वन इंटू एन माइनस वन किसके बराबर होता है एन स्क्वायर माइनस वन को अगर हम ओपन करते हैं तो n माइनस वन इंटू एन प्लस वन बनता है. तो आर टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई हमारे पास आर टू की वैल्यू एन आर नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस वन. सो फ्रॉम हेयर वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द वैल्यूज, आर वन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम, आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं और आर टू की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है. सो दिस इज द वैल्यू, बहुत सिंपल इक्वेशन है, बड़े आराम से हम इसकी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ एक केवीएल इक्वेशन लगा के. और अगर हमें डिजाइन करना हो हमारा टी पैड अटेनुएटर यानी टी पैड अटेनुएटर मीन्स जो फिक्स्ड अटेनुएटर है टी टाइप का राइट फॉर अ गिवन अटेनुएशन ऑफ 60 dB, दैट मीन्स हमें एन की वैल्यू जो है वो गिवन है या डी की वैल्यू जो है वो एक्चुअली गिवन है इन dBs, डी की वैल्यू गिवन है राइट एंड टू वर्क इन लाइन ऑफ 500 ओम इम्पिडेंस. और आर नॉट की वैल्यू अगर हमें गिवन हो राइट तो हम उसकी दोनों की इक्वेशन से जो है हम लोग अगर डिजाइन करना चाहें तो डिजाइन कैसे कर सकते हैं, आर वन आर टू आर नॉट और एन, ये चार चीजें हैं हमारे पास राइट. तो इन सभी की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास डी की वैल्यू गिवन है दैट इज 60 dBs राइट. देन वर्क इन लाइन ऑफ 500 ओम्स इंपेडेंस यानी कि आर नॉट की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास. तो अगर हमें डी की वैल्यू गिवन है तो एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ डी बाई 20 राइट. तो एंटी लॉग ऑफ डी बाई 20, एंटी लॉग ऑफ 60 बाई 20, एंटी लॉग ऑफ 3, अगर एंटी लॉग ऑफ 3 हम लोग कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1000 के बराबर आएगी राइट. तो ईच ऑफ द सीरीज आर्म, अब सीरीज आर्म की वैल्यूज डिजाइनिंग का क्या मतलब है, अगर टी टाइप अटेनुएटर या किसी भी टाइप का अटेनुएटर आपने डिजाइन करना है तो इसका मतलब आपको उनकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो वो सर्किट डिजाइन हो जाएगा ऑब्वियसली राइट. तो यहाँ पे हमें आर नॉट की वैल्यू गिवन है तो आर वन और आर टू की वैल्यूज निकालनी है, आर वन और आर टू की वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है राइट.
तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, अब हमें एन की वैल्यू पता चल गई, तो आर वन की वैल्यू क्या है, आर नॉट इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो ये क्या बन गया, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1000 प्लस वन। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी अराउंड 599 ओहम्स, राइट। तो अगर हम शंट आर्म रेजिस्टेंस, तो अब हमें हमारे पास आर वन की वैल्यू भी है, आर नॉट की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है, तो उससे हम एन आर टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर टू की वैल्यू में क्या है हमें, 2n आर नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस वन, राइट। तो यहाँ पे सॉरी ये इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना है, राइट। तो 2n यानी कि 2 × 1000 डिवाइडेड बाय 1000 स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 500, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें इट विल बी अराउंड 1 ओहम्स। तो हमें शंट आर्म रेजिस्टर आर टू की वैल्यू पता चल गई। और अगर आपको ये इस तरह का कोई भी सर्किट आता है डिजाइन करने के लिए, राइट, तो यहाँ पे डिजाइनिंग करने के बाद आपको वो सर्किट बना के दिखाना है। तो यहाँ पे टी टाइप नेटवर्क था, आर वन इधर है, आर वन इधर है, और आर टू इस साइड पे है, राइट। तो ये नेटवर्क है और आर नॉट इस साइड पे है, राइट। तो ये नेटवर्क आप लोगों ने डिजाइन करके बताना है, और यहाँ पे लिखना है कि आर नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 500 ओहम्स, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 500 ओहम्स, राइट। आर वन और आर वन की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी हमने, 499 ओहम्स, राइट। तो ये हो गई 499 ओहम्स, यहाँ पे भी हो गई 499 ओहम्स, राइट। और यहाँ पे जो वैल्यू आई ये आई 1 ओहम्स, राइट। और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, या तो हम यहाँ पे वो आर नॉट और यहाँ पे अपना जो इम्पिडेंस, सॉरी जो हमारा नेटवर्क है सोर्स जो है उसको डिज़ाइन करके यहाँ पे लगा सकते हैं, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500 ओहम्स, और ये है हमारा V1। सो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द सिमेट्रिकल टी टाइप अटेन्यूएटर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एनालिसिस क्लियर है आप लोगों को, एग्जाम्पल क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करके इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए मिलता है तो, राइट। एंड आई विश नाउ दिस इज द एनालिसिस ऑफ सिमेट्रिकल टी टाइप अटेन्यूएटर इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देर विल बी एनी डाउट्स वी विल बी डिस्कसिंग देम लेटर ऑन, राइट। सो आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू, वी विल बी डिस्कसिंग देम लेटर इफ देर विल बी एनी डाउट्स टू टूवर्ड्स यू। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।